समाधान यात्रा के दूसरे दिन शिवहर पहुंचे सीएम नीतीश, विकास कार्यों का लिया जायजा, जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का दूसरा दिन, विकास योजनाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों को सीएम ने दिए अहम दिशा निर्देश। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना पर उन्होंने दिया बड़ा बयान, कहा कल से बिहार में शुरू होने वाली है जातिगत जनगणना। रीगा चीनी मिल की समस्या को लेकर लोगों ने सीएम से की मुलाकात की कोशिश, सुरक्षा बलों के कारण सीएम से मुलाकात नहीं होने पर लोगों में नाराजगी। समाधान यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कार्यक्रम के दौरान बखरी में सीएम ने कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बिहार में शराबबंदी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी, जीविका दीदियों से शराबबंदी पर मिला ग्रीन सिग्नल। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का आज दूसरा दिन, सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रही, बीजेपी के एमएलसी संजय भयूख ने सीएम को समस्याओं का सरताज बताया। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर बीजेपी ने कसे तंज, नवल किशोर यादव ने कहा नीतीश कुमार है बेचैन और ये है बेचैन यात्रा। नवल किशोर ने कहा कि 2024 क्या 2034 तक बीजेपी को कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का सुधाकर सिंह पर हमला, मांझी सुधाकर सिंह को तत्काल आरजेडी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं, कहा सुधाकर सिंह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा नफरत की जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण, हम लोग हे राम वाले हैं, सबरी की कुटिया में रहने वाले राम को पत्थरों की दीवार के बीच रखा जाए। जगदानंद सिंह के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का पलटवार, कहा जगदानंद सिंह जिस तरह दो अर्थी भाषा के विरोध में है वही निंदनीय है, वोट की राजनीति के लिए जगदानंद अपने धर्म को भूल गए। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन, यात्रा बाराहाट पड़ाव से समुखिया मोड़ के लिए रवाना, 19 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंचेंगे सर्वोदय कॉलेज। शाहरुख दीपिका की फिल्म पर सियासत जारी, किशनगंज में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का बीजेपी पर इशारा, कहा शाहरुख खान ने किससे शादी की तो फिर पठान के नाम से क्या है दिक्कत। मिशन झारखंड में जुटे गृह मंत्री अमित शाह, आज शाम रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बोकारो दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जैप ग्राउंड में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम सोरेन, परेड में डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई अधिकारी भी मौजूद। बोकारो में डीजीपी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग में चूक, सीएम के हेलीपैड में जा पहुंचा डीजीपी का हेलीकॉप्टर, जैप ग्राउंड में बना है सीएम के हेलीकॉप्टर का हेलीपैड। झारखंड सरकार की गठित टीएससी पर राज्यपाल रमेश बैस ने उठाए सवाल, अधिकारियों से पूछा जवाब नहीं मिलने का कारण। धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, नंदू अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी, गोविंदपुर और नंदू अग्रवाल के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, राइस मिल और कोयला कारोबारी है नंदू अग्रवाल। देवघर के रानीगंज बालूघाट में अवैध वसूली करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, शिकायत के बाद एक नामजद और अज्ञात पर डीएमओ ने केस दर्ज कराया। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में किया जा रहा खाद का किसानों के बीच वितरण, हंगामे के बाद थाने में की जा रही है खरीदारी, खाद की किल्लत से किसान है परेशान। जम्मू में आग की चपेट में आने से जेडीयू विधायक दामोदर रावत की मां झुलसी गंभीर हालत में, पीएमसीएच किया गया रेफर, आग तापने के दौरान हादसे का शिकार है। देवघर के स्टेडियम के पास मोटर पार्ट्स की गोदाम में लगी अचानक आग, आसपास में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में ट्रक की टक्कर में घायल महिला सुपरवाइजर की मौत, इलाज के दौरान घायल महिला ने तोड़ा दम, सुबह सड़क हादसे में हुई थी घायल। अरवल के करपी थाना इलाके के मुरारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजेश रंजन को जान से मारने की खुली धमकी मिली, अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर नेस्तनाबूद करने की धमकी। गया में हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित लगा रहे थाने का चक्कर, पुलिस खुद पीड़ित से पूछ रही अपराधियों का ठिकाना। औरंगाबाद में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दी, फांसी के दौरान घर में नहीं था कोई सदस्य मौजूद, खुदकुशी की वजह नहीं हो पा रही स्पष्ट।
देवघर के श्यामगंज रोड में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मछली के आढ़त में 5 से 6 बदमाशों ने मंशे का काम करने वाले मुकेश यादव पर चलाई गोली। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। देवघर गोलीकांड मामले में पुलिस का एक्शन। हिरासत में लिए गए 5 बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। देवघर में पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी पप्पू यादव। सत्यनारायण वर्णवाल के घर डाली थी डकैती नगद और जेवरात लेकर उड़े थे डकैत। सीबीआई अफसर बचकर की थी लूटपाट। कैमूर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई। 50 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामी बालू माफिया राम प्रसाद गिरफ्तार। गोलीबारी और हत्या सहित 3 मामलों में है वॉन्टेड। आरा में सो रहे एक अधेड़ शख्स की गोली मारी गई। अधेड़ शख्स को घायल शख्स को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही। आरा में दिन दहाड़े बैंक से 32,000 रुपए की लूट। ग्राहक बनकर बैंक में घुसे थे 3 अपराधी। हथियार दिखाकर बैंक कर्मियों को बनाया बंधक। पैसे लूटकर फरार। शराब तस्करी के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने जब्त की करीब 1,000 लीटर शराब। महसी थाना पुलिस ने ताजपुर बारा और अमवा गांव में कार्रवाई। यात्री के साथ बदसलूकी पर समस्तीपुर डीआरएम ने की कार्रवाई। दोनों टीटी ई को किया निलंबित। ट्रेन में यात्री को बुरी तरह से पीट रहे थे दोनों टीटी। समस्तीपुर से ट्रेन में यात्री की पिटाई का वीडियो सामने आया। दबंग टीटी ने यात्रा कर रहे यात्री की जमकर पिटाई की। आसपास में मौजूद यात्रियों ने वीडियो बनाया वायरल किया। बाद में हुई कार्रवाई। मोतिहारी के ढाका शहर में चोरों का आतंक। ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान का शटर तो लाखों की ज्वेलरी चोरी। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। मोतिहारी के ढाका शहर में हुई चोरी का मामला। चोरी की वारदात को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश। दुकान बंद कर पुलिस के खिलाफ जताए विरोध। सरायकेला में चोरों का आतंक। आदित्यपुर के स्टील सिटी कास्टिंग कंपनी में पीतल और लोहे का सामान किया चोरी। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सदर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधियों को धर दबोचा। एसपी इंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। मोकामा पुलिस की तत्परता से चर्च में टली डकैती की वारदात। डकैतों ने गोलीबारी कर फैलाई दहशत। हथियार बंद डकैतों ने बेलागाछी में मिनी चर्च में बोला था धावा। गया में शराब तस्करी का नया जुगाड़। देख उत्पाद विभाग हैरान। शराब की तस्करी करने वाले युवक के जैकेट से 20 बोतल बियर बरामद। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। नवादा के सरदला प्रखंड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी विदेशी शराब। बोलेरो से भारी मात्रा में ले जाई जा रही थी शराब। सरायकेला के सीनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध लॉटरी बेचने के मामले में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 74 बंडल लॉटरी किए हैं जब्त। रामगढ़ महिला थाना प्रभारी घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग से आई एसीबी की टीम ने किया अरेस्ट। केस सुलझाने के लिए मांग रही थी घूस। जमशेदपुर में अधिवक्ताओं की 2 दिवसीय हड़ताल। अपनी मांग को लेकर सभी अधिवक्ता हड़ताल पर गए। आज और कल कोर्ट में काम नहीं करेंगे अधिवक्ता। वैशाली दौरे पर डीजी होमकर शोभा अहोतकर होमगार्ड के लिए बने प्रशिक्षण भवन का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को डीजी होमगार्ड ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। साहिबगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर हुई विशेष बैठक। समाहरणालय सभागार कक्ष में डीसी के नेतृत्व में हुई बैठक। बैठक में जिले के कई अधिकारी रहे मौजूद। जमशेदपुर में बीपीएल कार्ड धारी के बच्चे के एडमिशन में काफी दिक्कतें आ रही। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूल 74,000 की सालाना आय वाले पेरेंट्स को गरीबी रेखा से नीचे मान रहे हैं और उनके बच्चों के दाखिला लेने से इनकार कर रहे हैं। कैमूर में एक पिता 2 बच्चों की देखरेख पालन पोषण के लिए भीख मांगने को मजबूर। पत्नी मानसिक रूप से असंतुलित। 7 महीने से फरार। काम छोड़कर बच्चों के साथ रह रहे मजबूर पिता। देवघर में पुरोहित परिवार के 10 सदस्यों का किया गया भव्य स्वागत। प्रचंड ठंड के बीच 77 दिनों से पैदल चलकर देवघर पहुंचे हैं पुरोहित। सरायकेला में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने गीता जीता लोगों का दल। हरसावा में 2 दिवसीय जनजातीय एवं पारंपरिक नृत्य संगीत का कार्यक्रम हुआ संपन्न।
भागलपुर के तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया हंगामा। बीए पार्ट थर्ड की परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। सिमडेगा में कोटरा प्रजाति के हिरण को अज्ञात लोगों ने उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोलेबरा वन विभाग ने शाहपुरा पंचायत के लसिया गंबेकेरा गांव में दी निगरानी। गढ़वा के आदमखोर तेंदुए को घेरने का बना प्लान। हैदराबाद से आए ट्रैकुलाइजर शूटर पकड़ में नहीं आने पर मारा जाएगा आदमखोर तेंदुआ। बेगूसराय में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स की ठंड से मौत। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। छपरा के मढ़ौरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी। लोग परेशान। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है अलाव की व्यवस्था। पूर्णिया में शीतलहर का प्रचंड कहर। घरों में दुबके हुए लोग। 12-8 डिग्री तक पहुंचा। आमजन को हो रही मुश्किल। बिहार में ठंड का प्रकोप। 11 डिग्री दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान। 160 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। राजधानी रांची में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही। 4 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार। रामगढ़ में ठंड को लेकर न्यूज स्टेट की खबर का असर। प्रशासन ने किया अलाव का इंतजाम। 2 दिन पहले छावनी परिषद में बस स्टैंड के पास अलाव की व्यवस्था नहीं थी। लोगों की हो रही थी मुश्किल। इसके बाद खबर चलाने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान। लखीसराय के मंडल कारा में कैदी हुए ठंड से बीमार। नहाने के दौरान गिरा एक कैदी। रेप के आरोप में कैदी को मिली है 25 साल की सजा। इलाज जारी।